मुझे भाई याद नहीं रहता, मैंने तुम्हें ज़रूर सुना था आपको, मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते, मैं उनको देखता हूँ करता हूँ उसके बाद वो मेरी हार्ड डिस्क से निकल जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। अच्छा आप अपनी तो पसंद मैं मेरा फेवरेट गाना जो अभी क्योंकि रिसेंटली रहमान को अवार्ड मिला है तो बार बार मेरे जहन में आ रहा था वो लगान का भजन है, ओ पालन हारे ओ निर्गुण ओ न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। शाहरुख की एक फिल्म का गाना है सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा आसमां ये क्यों हाय पिघलने लगा। और तबू की बात तो हमने करी और एंजेला जोली इन माइटी हार्ट, सो इज शी रियली रियली व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स शी इज, शी इज अ स्पेशल वुमन, वेरी इंटरेस्टिंग वुमन, ब्यूटीफुल वुमन, उनके हस्बैंड इज वेरी स्मार्ट गाय। आप तो बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं। नहीं मुझे पहली बार मैंने एंजेलिना जोली से तो खैर पहली बार मैं सेट पे ही मिला था, लेकिन एक दिन ऐसे ही ब्रैड पिट सेट पे आ गया था तो मुझे याद है कि मैं कभी कभी बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको देख के आप एकदम रुक जाएं, तो मैं रिहर्सल करते करते एकदम रुक गया था जब मैंने ब्रैड पिट को देखा था। वो इतना खूबसूरत है और इतना डाउन टू अर्थ आदमी है कि उसकी सिंप्लिसिटी उसका अपना एक पर्सोना जबरदस्त। सो दे मस्ट बी मेकिंग अ रियली स्टनिंग पेयर, वेरी स्टनिंग पेयर, एंड वॉट एवर दे आर डूइंग एज अ सेलिब्रिटी आई लाइक इट, इट्स इंस्पायरिंग। उन्होंने अलग अलग जगह से दुनिया के अलग अलग कोने से बच्चों को गोद लिया है और जिनका जो रिलीजन है जिनका जैसा समाज है उसको उसी तरह से वो बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, अपने ही बच्चे पैदा किए हैं और साथ में अलग अलग जगह से जो बहुत ही डेस्टिट्यूट इलाका है वहाँ से बच्चों को पिकअप किया है और अब उनको गोद लेके उनको उन्हीं के रिलीजन में उन्हीं के समाज उनकी कल्चर के हिसाब से उनको यू नो उनकी परवरिश कर रहे हैं। हाँ, और फैसिनेटिंग। एक सक्सेसफुल एक्टर और स्टार होने का सबसे बड़ा एडवांटेज, यू फील इम्पोर्टेंट, आपकी अंदरूनी जो कुंठाएं हैं अगर आप चाहो तो वो थोड़ा बेहतर कर सकते हो, कुंठाएं जो हैं वो हील हो जाती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि आपको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है तो आपकी अंदर से पर्सनैलिटी जो है थोड़ी फ्लरिश होती है और वही उस आपका ड्रॉबैक भी बन सकता है कि जो अटेंशन, अगर आप अटेंशन के केज में आ गए तो एक पॉइंट के बाद हो सकता है अटेंशन ना रहे, देन वॉट विल हैपन। थोड़ी सी जयपुर की बात करते हैं, आपके बचपन की बात करते हैं, जवानी की बात करते हैं जो अभी तक चल रही है कि शुरू से यही था कि एक्टर ही बनूंगा? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था और हम लोग छुप छुप के जाते थे घर से खेलने, मैच जब खेलने जाते थे तो दिन भर खेल के आते थे तो मदर को ये रहता था कि तुमने दिन में खाना नहीं खाया, और धीरे धीरे ऑपोजिशन होने लगा था घर के अंदर। लेकिन एक बार जेसीसी में मैच खेल रहा था और मेरे फादर वहाँ आ गए थे तो मुझे वो मैच छोड़ के भागना पड़ा था। तो उसके बाद टीम वालों ने मतलब पूछा गया कहाँ, नहीं नहीं बोला वैसे ही काम से, यू नो। फिर किसी ने पोल खोल दी कि फादर आ गए थे, तो हर बार मैच में वो डिस्कशन होता था कि इसके फादर तो नहीं आ जाएंगे यार मैच में, इसको रखना है कि नहीं रखना। तो मैं क्रिकेट तो नहीं खेल पाया बहुत ज़्यादा उसके बाद, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यू नो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि मतलब मैं आगे बढ़ सकूं अपने बल पे। और फिर आप एनएसडी गए? और मैं एनएसडी गया, एनएसडी जाके मतलब मुझे पता चला एनएसडी का कैसे ट्रेनिंग सेंटर है, तो बजाय इसके कि मैं सीधा बम्बई भाग के चला जाऊं मैं नहीं गया, मैं पहले एनएसडी गया, मैंने सीखा क्राफ्ट और उसके बाद मैं बम्बई गया। सर मुझे खाने का शौक़ बहुत कम है, इसलिए मेरे बहुत सारे रिश्ते यहाँ ख़राब हो गए लोगों से, क्योंकि हर आदमी खाना खिलाना चाहता है और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो खाने के मतलब एडिक्ट है, और हमारे यहाँ जयपुर में खाना जो है बहुत अच्छा बनता है, लोगों को अच्छा लगता है। मैं खाना मेरे लिए एक नहीं तो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद वो खाने से आगे आप नहीं जा पाते, खाने तक ही ज़िंदगी सीमित रहती है, तो मेरे लिए खाना जो है खाना है, कभी कभी उसे मजा भी आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी उसके आसपास घूमे। ओके, योर फेवरेट डिश? अरहर की दाल रोटी, रोटी लेकिन मैदे वाली नहीं, आटे वाली। हाँ, और नॉनवेज में कबाब, नॉनवेज में बहुत कम खाता हूँ लेकिन कबाब, शामी कबाब मुझे अच्छे लगते हैं, दाल पालक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आलू गोभी मुझे अच्छी लगती है, परवल अच्छा नहीं लगता। दिन में काला चश्मा लगा के और सफेद कोट वगैरह पहन के कैसा लगता है बॉस? स्पेशल लगता है,
स्पेशल लगता है सजे धजे हैं, क्योंकि सजने धजने से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है उसके लिए। पहले तो मैं सपना देखता था काला कपड़ा, काला पैंट, काला बनियान और काला चश्मा, तो अभी एटलीस्ट सफ़ेद कोट और जीन्स तो है। इरफान खान क्या शख्सियत हैं, क्या हैं एज अ पर्सन प्लीज? मैं शर्मीला इंसान हूँ, बहुत शर्मीला था। मेरी एजुकेशन सेंट पॉल्स स्कूल में हुई थी और वहाँ हाउसेस लगते थे, अलग चार हाउसेस थे और उन चार हाउसेस के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। कभी यू नो कल्चरल कॉम्पिटिशन होता था, कभी स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता था। तो एक बार मुझे गलती से किसी मेरी हिंदी की मैडम ने गाने के लिए चूज़ कर लिया था। उन्होंने बोला बच्चे कितनी कितनी सुंदर आवाज़ है, कितना अच्छा गाता है बच्चा, इसको इसको करके। और मुझे उन्होंने गाना कुछ देशभक्ति का गाना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाया 5-7 दिन। जिस दिन कंपटीशन आया उस दिन मुझे याद है कि मैं खड़ा हुआ था माइक के आगे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे अजीब से धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था और वो बोल रही थी हारमोनियम पे ऐसे इशारा कर रही थी कि पिकअप करो पिकअप करो। एंड उसके बाद ये हुआ कि मैंने कुछ गाना शुरू किया, किसी ने कुछ नहीं सुना और वो गाना ख़त्म हो गया, ना मैंने सुना ना ऑडियंस ने सुना। तो मैं इतना ज़्यादा शर्मीला इंसान था और मुझे फिज़िकल चीज़ें बहुत पसंद हैं, मुझे भागना दौड़ना बहुत पसंद है, मैं पैनिक से बहुत डरता हूँ, पैनिक जहाँ भी होता है मैं वहाँ से भागना चाहता हूँ। और मुझे ह्यूमरस लोग पसंद हैं, मैं ज़िंदगी में फ़न ढूँढ रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में कनेक्ट करना चाहता हूँ ऐसी पावर से जो हम सबको चला रही है। मैं इस ज़िंदगी को अपने आप में अजूबा मानता हूँ, मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है कि कितना बड़ा चमत्कार है। आजकल क्या होने लगा है, जब मैं मच्छर मारता हूँ, कई बार आप होता ना इंस्टिंक्टिवली कान पे आप मार दिया ऐसे, अगर बाई चांस मर गया तो सेकंड थॉट मेरा ये होता है कि कितनी ज़बरदस्त मशीनरी है ये, यू नो, जिसको आपने मारा है। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, कितनी फाइन मशीनरी है वो, जो कैसे काम कर रही थी, यू नो, तो ये क्या है जो काम करवा रहा है आपको। तो कई बार ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं। अब मुझे पता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्ती मैं करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूँ दोस्ती में, इसलिए दोस्ती करने से कई बार घबराता भी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा डीप ना जाऊं, क्योंकि सामने वाला भी तो इंसान है। मुझे ऐसे रिश्ता पसंद आता है जिसमें कि दो लोग एक हो सकें, ये मेरा कॉन्सेप्ट है रिश्ते का, जिसको मैं जी नहीं पाया, लेकिन ये मरा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा ज़िंदा। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।